हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैं आज आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS PO की जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। तो हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं IBPS PO की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। इसमें हम लोग सब इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन से बैंक की कितनी वैकेंसी हैं। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले डिटेल्स जानने के लिए जाते हैं गूगल पर। गूगल पे जाना है सिंपली, और गूगल पे जो है आपको sarkarrezult.com सर्च करना है। जैसे आप sarkarrezult.com सर्च करोगे तो आप जो है सरकार रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो आपको आप देख सकते हो हम यहाँ पर पहुँच चुके हो, और यहाँ पर IBPS PO लेटेस्ट लिखा हुआ IBPS PO 10th अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। तो देख सकते हो ये जो वैकेंसीज है, अपडेट हुआ था पोस्ट 20 अक्टूबर 2021 को 12 बजे अपडेट हुआ था। और इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बात करो तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन IBPS हैज़ रिलीज द एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग CRP PO MT 10। तो जो IBPS PO आपको पता ही है, IBPS जो अभी सभी बैंकों की रिक्रूटमेंट करती हैं, तो उसके बारे में जो है जो इन्फॉर्मेशन इसमें बताने वाले हैं। तो इसकी जो वैकेंसीज आई हैं कुछ, तो इसकी जब बात करें वैकेंसीज की, तो इसकी जो है हम बात करेंगे एप्लीकेशन की जो, तो एप्लीकेशन जो है 20 अक्टूबर से आप कर सकते हो, और लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर 2021 तक रहेगी। एग्जाम भी जो है आप 10 नवंबर तक पे कर सकते हो, बट ऑलवेज आई सजेस्ट कि आप जो है टाइम से पहले ही जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी एग्जाम फॉर्म है वगैरह आप भर लो, और एग्जाम पर हमेशा आप जो आपको ब्लॉक लेटर में पढ़ना है। बिकॉज जब आप लास्ट डेट का वेट करोगे तो जो है साइट वहाँ पे चलेगी नहीं, और जो है आपको बहुत इशू हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम की बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम आपका जो है 4 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में होगा, और मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो January 2022 को होगा। और फीस की बात करें तो अगर जनरल OBC के कैंडिडेट हो तो 850, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप है तो 175। एग्ज़ाम फी जो है आप मोर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई वॉलेट, कैश कार्ड या IMPS कुछ भी, या ई चालान जो भी हो, आपको ऑप्शन अवेलेबल, आप उसमें कर सकते हो। अभी वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 4135 वैकेंसीज आई हैं, और इसमें जो है अनरिजर्व के लिए 1600, OBC के लिए 1102, एंड SC के लिए 679, एंड ST के लिए 350, EWS के 404, एंड टोटल जो है आपकी 4135 वैकेंसीज आई हैं। अब प्रोविजनरी ऑफिसर PO मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT 11 जो है इसका जो वैकेंसी का नाम है, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और 1 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बैचलर डिग्री आप कौन से भी फील्ड से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इट डजेंट मैटर, आप जो है इसमें कर सकते हो। अब बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 588 पोस्ट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है 400 पोस्ट, कैनरा बैंक में है 650 पोस्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 620 पोस्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 98 पोस्ट है, पंजाब एंड सिंध बैंक 427 पोस्ट, UCD बैंक 440 पोस्ट, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 491 पोस्ट है, ठीक है। देन हाउ टू फिल IBPS PO लैंड रिक्रूटमेंट फॉर्म 2020 ऑनलाइन, तो वो जो आपको मैं आगे बताऊंगा, सिंपली आप उसमें कर सकते हो। आपको जो है फॉर्म में कुछ बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है कि फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर में भरना चाहिए। अगर आप स्मॉल लेटर में भरते हो तो आपकी गलती हो सकती है, इसके लिए हमेशा जो है आप फॉर्म जो है हमेशा ब्लॉक लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर में जो है आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। तो हमेशा आप फॉर्म जो है ब्लॉक लेटर में ही भरोगे। अब बात करते हैं कि कहाँ से फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन पे सिंपली आप जैसे क्लिक करोगे तो आप जो है जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो आपके सामने जो है एक नया पोर्टल ओपन होगा, जिसमें अगर आपके पास पहले अगर आपने IBPS PO का जो है फॉर्म भरा रहेगा,
तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, उससे आप लॉगिन करके कर सकते हो। या फिर नहीं होगा तो फिर आप जो है रजिस्टर करना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना, और फॉरगेट पासवर्ड, अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक है, टू नए रजिस्ट्रेशन पर करना, अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और जो आपका डिटेल्स जो जो पूछ रहे हैं बेसिक डिटेल्स, वो आप एंटर करना। जैसे आप एंटर करोगे तो जो है आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आप जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप मिल जाएगा तो आप जो है सिंपली आप जो है वो आईडी से जो है आगे फॉलो कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आप डिटेल्स भरना है आपको, वो डिटेल्स भर के जो है आप लॉगिन कर सकते हो। अब आगे बात करें कि सिलेबस की, तो सिलेबस और नोटिफिकेशन की अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप जो है डाउनलोड नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन में है, इस पर क्लिक करके जो पूरा पीडीएफ आपके सामने ओपन होगा, तो इस पर आप क्लिक करके जो है आप कर सकते हो। और जो है आप इसकी जो है जो फुल नोटिफिकेशन बढ़ना है, तो आप फुल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको जो पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कौन सी कास्ट के लिए कितनी पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज है, कौन से कैंडिडेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, पूरा आपको डिटेल्स आपको जो है इसमें मिल जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन वीडियो ऐसे लाते रहूँगा जो आपको यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।